हेलो आदाब एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो जी, आज का वीडियो है एक इंडियन टीवी एंकर के बारे में, जो अपने एक डिबेट में ये बोलते हुए नजर आई है कि इस्लाम में औरत का दर्जा सिर्फ इतना ही है कि वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए है एंड उसका कोई भी स्टेटस नहीं है। तो इस वीडियो के रिलेटेड डॉक्टर जाकिर नायक साहब है, वो इस बारे में क्या बोल रहे हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आज के इस वीडियो में भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिल जाएगी एंड आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी जरूर साथ में प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड आज का वीडियो किसी एंगल से अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को प्ले करेंगे। भाई, इस्लाम की नजर में महिलाएं सिर्फ और सिर्फ तंदुरुस्त स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए। इस्लाम ने औरतों को क्या दिया? इस्लाम में औरतों की क्या इज्जत है, क्या हैसियत है, क्या अहमियत है? हकीकत और सच ये है कि पूरी दुनिया के मुकाबले में अगर औरत नाम की चीज को इज्जत और अजमत से नवाजा है तो सिर्फ वो मजहब इस्लाम है। और कुछ और मजहब है जो ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी जब औरत हमल से होती है ये एक खुदा की तरफ से उनके लिए एक श्राप है, कर्स है। और दूसरी मजहब की किताब में लिखा हुआ है कि दिस इज अ कर्स ऑन द वुमेन दैट शी शैल बे लेबर पेन्स, और वो बहुत तकलीफ से बच्चे को जनेंगी। दिगर मजाहब के हिसाब से औरत के ऊपर श्राप है और हमल से जब वो बच्चे को जन्मेंगी और पैदा करेंगी उसको तकलीफ होगी, ये उसके लिए श्राप है। इस्लाम कतई इसको नहीं मानता। इस्लाम के नजदीक औरत का दर्जा हमल के वजह से ऊंचा होता है। ड्यू टू प्रेगनेंसी द स्टेटस ऑफ द वुमेन इज रिजन। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 में कि उस कॉक की इज्जत करो जिसने तुम्हें जन्म दिया। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में कि हमने सारे इंसानों से कहा है कि अपने वालदेन से अच्छा सुलूक करो, और आपकी वालदा आपकी मां ने बहुत तकलीफ से आपको जन्म दिया और 2 साल तक दूध पिलाए। इसका जिक्र सूरह आकाफ में भी है सूरह नंबर 46 आयत नंबर 15 जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालदेन से अच्छा सुलूक करो, और आपकी वालदा ने आपकी मां ने आपको तकलीफ से कोख में रखा और तकलीफ से जन्म दिया, इसीलिए उसकी और इज्जत करो। इस्लाम में प्रेगनेंसी के वजह से हमल के वजह से औरत की इज्जत और ज्यादा है। और एक हदीस है सही बुखारी की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताब आदाब चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 2। एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और पूछते हैं कि सारे जहां में कौन सा इंसान है जिसके साथ सबसे अच्छा सुलूक करना चाहिए, कंपैशन और लव करना चाहिए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तेरी मां। फिर वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? फिर वो कहते हैं तेरी मां। उसके बाद कौन? फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहते हैं तेरी मां। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तेरे वालिद, तेरा बाप, तेरा पिता। बिल्कुल सर, इससे यह जाहिर होता है कि 75% 3/4 हिस्सा कंपैशन लव इज्जत का जाता है वालदा को, मां को। पाव हिस्सा जाता है वालिद को, पिता को। मुख्तसर से मां को मिलता है गोल्ड मेडल, सोने का तमगा। मां को मिलता है सिल्वर मेडल, चांदी का तमगा।
मां को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल तांबे का तमगा, बाप को मिलता है सिर्फ कॉन्सोलेशन प्राइज। ये हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है। अफसोस की बात है कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि इस्लाम में औरत को जलील किया जाता है, इस्लाम में औरत का दर्जा नीचा है। अगर आप इस्लाम की किताब को पढ़ेंगे, कुरान और सही हदीस, इससे यह पता लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम ने औरत का दर्जा ऊंचा किया है। इस्लाम में औरत और मर्द कुल्ली तौर पे बराबर है। कुछ जगह मर्द को एक दर्जा इजाफा है, कुछ जगह औरत को एक दर्जा इजाफा है। मिसाल के तौर पे इस्लाम में मर्द और औरत बराबर है लेकिन हूबहू नहीं है, बराबर है लेकिन हूबहू नहीं है। अल्लाह सुभान व तआला ने मर्द और औरत को फिजियोलॉजिकली अलग किस्म का बनाया है, बायोलॉजिकली अलग किस्म का बनाया है, मेंटली अलग किस्म का बनाया है। डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल मेकअप, बायोलॉजिकल मेकअप, मेडिकल मेकअप, हर इंसान मर्द और औरत के जो रोल है वो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे एक क्लास में दो तालिब इल्म, दो स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं, उन्हें एग्जामिनेशन में 100 में से 80 मार्क्स मिलते हैं, 80 नंबर मिलते हैं। जब हम आंसर पेपर देखते हैं, जवाब का पेपर देखते हैं, हमें पता चलता है कि 10 सवाल आते हैं, हर सवाल के जवाब पर 10 नंबर है। पहले सवाल के जवाब में स्टूडेंट ए को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं और स्टूडेंट बी को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में स्टूडेंट बी को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं और स्टूडेंट ए को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। तो जवाब नंबर एक में स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी से आगे है, एक दर्जा इजाफा है। जवाब नंबर दो में स्टूडेंट बी का दर्जा स्टूडेंट ए से आगे है। बाकी सवालात के जवाब में दोनों स्टूडेंट ए और बी को 10 में से 8 मिलते हैं। अगर हम जोड़ेंगे दोनों को 100 में से 80 नंबर मिलते हैं, 80%। लेकिन जवाब नंबर एक में ए आगे है, स्टूडेंट ए आगे है, जवाब नंबर बी में स्टूडेंट बी आगे है, बाकी जवाबों में दोनों बराबर है। इसी तरीके से इस्लाम में औरत और मर्द का दर्जा बराबर का है, लेकिन किस मकाम पे, किस चीज में आदमी का एक दर्जा आगे है, किस चीज में औरत का। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।